अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेक श्योर कि आप लोग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अपने माइकफोन्स को और कैमरास को ऑफ रखें, एंड इंशाल्लाह लास्ट ऑफ द सेशन विल हैव अ स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसके अंदर आपके सारे वो सवालात जो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन या इससे पहले भी आपके माइंड में हैं, उन सबके आंसर्स आप तक मिल जाएंगे। सो वेलकम एंड खुशामदीद आप सब लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की जो हाईएस्ट पेइंग कैरियर अपॉर्चुनिटी है, और दिस इज अ डोर ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू टू द सेंचुरी, 21st सेंचुरी। और इसके अंदर आपको पता है जो हॉट केक है, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। सो आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर दिस वन, एंड विल स्टार्ट विद जस्ट नाउ because many people are in the queue, they are joining, and I'll make request to all of you ki aap log apne paas ek adad pen aur ek notebook jo hai wo zarur rakhein, taki aapke paas jo bhi questions aapke mind mein aate hain wo aap likh le aur last ke andar aap un questions ko pooch sake. So thank you so much for your time and thank you so much for listening me. We'll start our session now. So five qualities, the टिप ऑफ द डे इज पांच ऐसी खसूसियत मैं आपको बताऊंगा जो गुड लिसनर्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी अ गुड लिसनर बिकॉज ये वो खसूसियत हैं जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हो, एक सक्सेसफुल कैरियर एंजॉय कर सकते हो। तो नंबर वन पे है हैव मोर सक्सेसफुल रिलेशनशिप। जो अच्छे लिसनर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, उनके जो रिश्तेदारियां हो गई, उनके जो फ्रेंडशिप्स हो गए वो बहुत अच्छे चलते हैं बिकॉज दे आर गुड लिसनर। टिप नंबर टू, एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रोफेशनल सक्सेस, कि वो अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने काम के अंदर सक्सेस की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले सुनते हैं बात को, समझते हैं बात को। एंड नंबर थ्री इज वो एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। You know, we all have problems every day in our life. So, जो अच्छे listeners होते हैं, वो problem solvers होते हैं। Number four के ऊपर है कि वो एक civilized citizens होते हैं, right? Because वो माशरे के अंदर एक impact पैदा करते हैं, वो अपनी value create करते हैं। And number fifth, which is most important, is के learner from listening to other speakers. ये जो इम्पोर्टेंट खसूसियत है, अगर आप एक स्पीकर हैं तब भी आपको लिसनिंग की पावर रखनी चाहिए। क्यों? दैट्स गिव यू वोकैबुलरी, दैट्स गिव यू मोर नॉलेज, जिससे आपकी जिंदगी में बेहतर आ सक बेहतर से बेहतरीन की तरफ आपका जो सफर है वो स्टार्ट हो सकता है। सो स्टार्ट विद दिस फाइव इंपॉर्टेंट टिप्स। नाउ इस प्रेजेंटेशन के लिए, इस वेबिनार के लिए आपके सिर्फ और सिर्फ एक घंटा रिक्वायर्ड है, एंड ऑफकोर्स उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप कितने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। सो इस वेबिनार की, इस प्रेजेंटेशन की जो टाइमिंग है, दैट्स मैक्सिमम वन आवर। आई विल ट्राई टू कीप अप टू टाइम, लेकिन एक चीज आप लोगों ने कमिट करनी है, जैसे आप लोगों ने ज्वाइनिंग के अंदर मैसेजिंग की है, इसी तरह आप लोगों ने आगे चल के भी मैसेजेस करने हैं और कम्युनिकेशन करनी है, बिकॉज इट्स अ टू वे ट्रैफिक। इट्स गिव मी अ फीलिंग दैट वी आर ऑन द सेम पेज और आपको मेरी वो सारी बातें समझ आ रही हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी, कि जब आपका मकसद आपको पता हो तो आपके लिए उसको करना आसान हो जाता है। यस और नो, कितने लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं, कॉमेंट करके बताइएगा। एंड माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, वाई आर यू हेयर, आप यहां पर क्यों हैं? नंबर वन, टाइम फ्रीडम के लिए, कॉमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। नंबर टू, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। नंबर थ्री जो है, वर्क फ्रॉम होम के लिए। और नंबर फोर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, वन टू थ्री और फोर, आर ऑल फोर टूगेदर। सो आई कैन सी, आई कैन अंडरस्टैंड Why you are here? Because जब हमारा मकसद यहाँ पे बैठने का, एक घंटा स्पेंड करने का हमें क्लियर होगा तो हमें इसको करना आसान हो जाएगा। ये सुनो, हमारे अंदर एक पेशेंस आ जाएंगे। ओके, सो अल्टीमेट गोल इंसान की जिंदगी का क्या होता है? एक बेहतर जिंदगी,
और एक स्टेबल इनकम, यस और नो? परफेक्ट लाइफ अगर एक इंसान से पूछा जाए, एक स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपको परफेक्ट लाइफ क्या चाहिए, तो वो कहेगा एक बेहतरीन लाइफ और एक स्टेबल इनकम, यस और नो? आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? सो यू आर एट राइट प्लेस हेयर. व्हाई? बिकॉज यू कैन अचीव ऑल दीज फोर थिंग्स, विच इज टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्क फ्रॉम होम एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से वो चारों चीजें मिलती हैं जो आपके कैरियर के लिए बेहतर है. सो व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म? तो दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब. और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है उसका बेसिकली थीम जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के प्रिंसिपल्स, उनकी बातों के ऊपर है. और वो है तीन बातें. नंबर वन, यूनिटी के साथ आपने रहना है, एज ए कोम बन के आपने सोचना है, एंड यू हैव टू हैव फेथ ऑन अल्लाह पाक, बिकॉज हमारा राजिक जो है वो ऊपर अल्लाह है और वो ही हमें रिस्क देता है, तो इसलिए हमें रिस्क के लिए परेशान नहीं होना चाहिए. सो एंड द डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बात करने का डिसिप्लिन हो, चाहे वो बिजनेस करने का डिसिप्लिन हो, और चाहे वो घर में रहने का डिसिप्लिन हो. वन यू नो दिस थ्री फैक्ट, आई एम 110% श्योर कि आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगी. सो इसीलिए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हब है, जहां पे हेल्थ और वेल्थ दोनों को कंबाइन करके बात की जाती है, कि इसके अंदर एक बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, हु आई एम. My name is Mohammad Zeeshan Amir and I am Pakistan by birth from Pakistan. Right now I am in Dubai in UAE and mera ek bachpan se manna hai ki everyone have entrepreneurial skills or I call myself born to be entrepreneur. Uski reason kya hai? Because entrepreneur jo hota hai wo solution finder hota hai. वो हल निकालता है, वो चीजों को बेहतर करने की कोशिश करता है, वो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट पैदा करना चाहता है, राइट? सो इसीलिए मेरा ये मानना है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाई आई एम अ सेल्फ मेड मिलियनियर. और इसी को बिलीव करते हुए मेरा ये भी मानना है कि आपकी जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज जिंदगी जो है वो शॉर्टकट का नाम नहीं है. जिंदगी एक प्रोसेस है, एक इंसान दुनिया में आता है बच्चे से, जवानी, जवानी से यंग एज, मैच्योर एज एंड बुढ़ापा, एंड देन इट्स गोइंग ऑन. सो इसलिए एथिकल प्रैक्टिसेस का मेरा 120% बिलीव है कि जब आप अपनी जिंदगी के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, सो यू कैन रीच द गोल यू हैव इन योर माइंड. सो आर यू रेडी टू बी एथिकल प्रैक्टिसेस? यू आर रेडी टू ज्वाइन आवर ग्रुप ऑफ पीपल? बिकॉज वी हैव more than 1500 people around the globe, not only in Pakistan. We are in Philippines, we are in Africa, we are in Cameroon, we are in Pakistan, we are in Nigeria, Ethiopia, and so on, in Middle East as well. So we have a huge team working together. So isiliye I will suggest you this opportunity, and this opportunity have given me a lot. And the good thing is ke आप सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ हासिल नहीं करते कि जो आपका अल्टीमेट गोल यानी कि पैसा है, यहाँ पे आप रिस्पेक्ट भी हासिल करते हो, यहाँ पे आप एप्रिसिएशन भी हासिल करते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप दूसरों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हो, जो कि आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए. तो इसीलिए मेरा मानना है, वी गेट वॉट वी फोकस ऑन. सो आप लोगों ने भी फोकस करना है. And here are some pictures of our digital business coaches, jo inshallah inme se jo available leaders honge wo last ke andar aapka session jo hai wo question answer ka lenge aur aapko questions ke answers batayenge. Number one, mera aapse ye question hai, how much time you spend on social media? Yes, social media jo hai wo aaj ke time ke andar bahut hi important hai hamari zindagi mein. And we almost spend every day, like many times. So आप लोग comments करके ये बता सकते हैं कि daily basis पे आप कितना time spend करते हो. I can read your comment, so you can.
यू कैन कंफर्म मी हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन डेली बेसिस, राइट? सो 2 hours, 3 hours, 5 hours एंड मे बी 12 hours, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अप टू 20 hours तक सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलने के ऊपर, फेसबुक खेलने के ऊपर एंड मैनी मोर थिंग्स. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्या आप इस सोशल मीडिया के ऊपर जो टाइम स्पेंड करते हो, क्या आप इससे कुछ कमा पाते हो, कुछ अर्न कर पाते हो, कुछ पैसे हासिल कर पाते हो? सो आई एम नो, मोस्ट ऑफ योर आंसर इज नो. बट डू यू वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट? क्या आप लोग इस सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हो? सो आंसर इज येस. देखें, अल्टीमेटली जो आप एजुकेशन पूरी लेते हो, एजुकेशन के बाद आपके पास जो 2 options होते हैं वो हमें सबको पता है, एक जॉब और एक बिजनेस. और जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन हेयर बिकॉज आप सब लोगों को पता है. लेकिन जॉब और बिजनेस आप कुछ भी चूज करो, उसके अंदर आपको 2 ही चीजों के ऊपर फोकस करना होता है. या तो कोई मेन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट होता है, या कोई मेन इंग्रेडिएंट जो है वो बेसिकली सर्विसेज होती हैं. सो आप चाहे प्रोडक्ट के ऊपर काम करो या सर्विसेज के ऊपर काम करो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही 2 pillars होते हैं जो उस इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं या उस इंडस्ट्री को स्टेबल करते हैं. सो इसीलिए हमारे बिजनेस के अंदर भी यही 2 pillars हैं जिसका नाम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है. बट उससे पहले कुछ चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और वो ये है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है ऐसा कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ क्यों इतना टाइम स्पेंड किया जा रहा है कि हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ जाएं. बट उससे पहले आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग को थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए. आज तक आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को सिर्फ फ्रंट से देखा है, टीवी के इस साइड से देखा है. आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा आप टीवी के अंदर से या टीवी के बैकग्राउंड से बेसिकली इन चीजों को देखेंगे. सो मैन्युफैक्चर, कोई भी मैन्युफैक्चर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, बनाता है. सो उसकी एक कॉस्ट होती है, चाहे वो 1,000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1,00,000 हो. सो अगर वो 1,000 रुपए की कॉस्ट से उसको बनाता है या उसका वो उसका प्रॉफिट के साथ वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोवाइड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बेसिकली अपना मार्जिन जो है वो 20-30% के हिसाब से, लेट्स सपोज 1,300 दिरहम के अंदर, 1,300 रुपए के अंदर वो आगे प्रोवाइड करता है. और वो होलसेल मार्केट के अंदर जो होलसेलर्स होते हैं वो अपना मार्जिन 15-20% रखते हुए रिटेलर्स तक प्रोवाइड करते हैं. और रिटेलर जो है, क्योंकि उसने भी अपनी शॉप का खर्चा बर्दाश्त करना है, तो वो भी अपना 20-30% का मार्जिन रखते हुए कंज्यूमर, मुझे आपको हर उस इंसान को प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो डेली बेस के ऊपर यूज़ करते हैं, राइट? कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, वो गोल्ड हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो पर्सनल केयर हो सकती है, वो वेट मैनेजमेंट, एनी प्रोडक्ट. सो ये वो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से जो एक्चुअल कॉस्ट है वो डेवलप होती है. सो इसके अंदर जो मेजर पार्ट है वो है एडवर्टाइजमेंट. आप इज्यूम करें कि अगर आप सुबह टीवी ऑन करते हैं छुट्टी वाले दिन और शाम तक आप टीवी देखते हैं, तो उसके अंदर लेट्स सपोज अगर आपने 8 घंटे टीवी देखा है, तो 8 घंटे के अंदर एक्चुअल जो आपने प्रोग्राम देखना था वो शायद 3 या 4 घंटे का होगा. बाकी के 3 या 4 घंटे जो है वो एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट होती है. अब अगर वो एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो कोई टीवी चैनल उसको ऑन एयर ना करे. बट टीवी चैनल्स को या बाकी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ABC, न्यूज़पेपर्स, उनको वो पैसे पे करते हैं तब उसको वो ऑन एयर करते हैं. जब वो ऑफ इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने पैसे कहाँ से लेने हैं, कस्टमर से, कंज्यूमर से, राइट? और कंज्यूमर जो है उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं ले सकता, राइट? लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है जिसको आपने आज से 20 साल पहले स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, यूज करना शुरू कर दिया था, और आप आज तक उसको यूज कर रहे हो. अब आप तो उसके यूजर बन गए हो, सो व्हाई पीपल आर एडवर्टाइजिंग अगेन, इसलिए कि वो चीज आपके माइंड से निकल ना सके.
और जितना वो उसको एडवर्टाइज करेंगे उतना वो आपके माइंड में रहेगा, और जितना वो आपके माइंड में रहेगा इतना वो आपकी ग्रोसरी के अंदर ऐड होता रहेगा, राइट। सो इस जो फॉर्मूला है, जो मैकेनिज्म है, जो मैंने आपको बताया है, इसको आपने लिख लेना है और इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, थोड़ी सी स्टडी करनी है, फिर आपको पता लगेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसके अंदर क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक एक्सेस कर सकता है और कस्टमर जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट हो सकता है। अब ऑफ कोर्स इसके अंदर जो मिडल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इसके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है मैन्युफैक्चरर को वो उसके ऊपर 120% काम करना पड़ेगा। अगर वो क्वालिटी को इंप्रूव नहीं रखते तो यहाँ पे उनको पेम्पर करने वाली कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर दूसरी दफा वो चीज बाय ही नहीं करेगा, राइट। सो इसलिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले दौर के अंदर और ज्यादा एफिशिएंट होने वाली है और ज्यादा इन डिमांड होने वाली है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इसको रिसर्च करें इंटरनेशनल लेवल पे। सो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है और वेलनेस कंपनी, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर नंबर वन के ऊपर रैंक करता है। तो बेसिकली मैं इसको तीन पीस के अंदर सिंपल फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, और वो थ्री पीस क्या है, प्रोफाइल के कंपनी क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, सेकंड पी और थर्ड पी क्या है कि कंपनी का प्लान क्या है कि कंपनी आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है, राइट। सो नंबर वन के ऊपर जो पी है वो है प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर कंपनी जो है वो एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, और एलोवेरा के अंदर वर्ल्ड नंबर वन एलोवेरा ग्रोअर है पूरी दुनिया के अंदर, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, और शायद ये एक वाहिद कंपनी है जो एलोवेरा की एक पर्टिकुलर टाइप है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, उसकी 85% की प्लांटेशन जो है उसको अपने पास रखती है वो, उसका जो बेसिकली प्लांटेशन लैंड है तकरीबन 6,500 एकड़ के करीब, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ओन प्रॉपर्टी है। एंड देन हनी की प्रोडक्ट्स, हनी बी जो है वो बहुत आपको पता है बहुत एनर्जी के लिए जरूरी होता है एंड बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में भी यूज करते हैं, तो हनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 को और ऑलमोस्ट 44 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं एंड 45th ईयर चल रहा है, और ऑलमोस्ट 165 कंट्रीज के अंदर इसके फिजिकल ऑफिस हैं। यूएई के अंदर इसका एक बहुत बड़ा फिजिकल ऑफिस है, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब कि ये बॉटल्स से लेकर इंग्रेडिएंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग खुद बनाती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो। क्यों? क्योंकि जब मल्टी वेंडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स हर इंसान मार्जिन के लिए, प्रोडक्शन के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट कर सकता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कंप्रोमाइज कर सकता है, तो कंपनी यहाँ पर अपनी निगरानी में इस चीज को बनाती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं सब की सब, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कंपनी का एक सिस्टम जो है वो इतना कैश रिच है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कंपनी को लोन्स की जरूरत नहीं पड़ती या अपने शेयर्स को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बड़ी कंपनीज के अंदर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। यूएई की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो बेसिकली यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम जो है उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक इवेंट के अंदर एंट्री की और फॉरएवर की मैनेजमेंट से मुलाकात की। आप राइट साइड पे प्रेसिडेंट फॉरएवर के जो है ग्रेक उनको भी देख सकते हैं, रेक्स के सन, और लेफ्ट साइड पे जो है वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जो है मिस नवाज गोसवाला उनको देख सकते हैं। एंड ही अप्रिशिएट कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, एंड प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरएवर जो है वो जापान में नंबर वन है, फ्रांस में नंबर टू है एंड जर्मनी में नंबर थ्री है। सो यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, वेस्ट के अंदर, यूके के अंदर फॉरएवर जो है वो नंबर वन के ऊपर रैंक करती है। एंड नाउ इफ वी सी अवर सेल्फ वेयर वी आर, राइट। सो
इसका जो बिजनेस साइकिल है वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। नंबर वन के ऊपर है वो है यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी बहुत रीजन है इसलिए कि जब आप एक प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर एक ट्रस्ट का एलिमेंट ऐड हो जाता है कि जब आप किसी को रेकमेंड करोगे तो उसके अंदर कोई लाइनेस नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ठीक है। नंबर टू है शेयर द प्रोडक्ट। देखें शेयरिंग इज वेरी इजी नाउ, और कहा जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, जब आप किसी की केयर करते हो तो आप उसके साथ वो चीज शेयर करते हो। लेट्स सपोज अगर आप एक चीज बाय करते हो, जैकेट बाय करते हो गारमेंट शॉप से, और वहां पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप उसी टाइम पिक्चर लेते हो, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देते हो। इसका मतलब क्या है कि यू आर केयरिंग देम, तो शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप अपनी प्रोडक्ट को शेयर करते हो और फिर आप अपनी एक टीम बिल्ड करते हो, आप उनको एजुकेट करते हो, आप उनको गाइड करते हो, आप एक साइकिल डेवलप करते हो, उनकी ट्रेनिंग्स करते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आपकी टीम के अंदर 20-30 लोगों का नेटवर्क डेवलप हो जाता है तो आप उनको कोच करते हो, लाइक आई डू एंड माई अदर लीडर्स डू, राइट। सो इसी तरह यहाँ पे जो एक बात बहुत बताने की जरूरत है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सेलिंग बिजनेस मॉडल। सो सेलिंग इज अ गुड बिजनेस मॉडल। दुनिया के अंदर जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं वो सेल्स के अंदर, राइट। सो सेलिंग इज द मोस्ट सूटेबल प्रेफरेबल फील्ड फॉर एनीवन शुड बी। और इसको इसके बारे में एक कहावत, एक कोट है बेसिकली, वो ये है सेल्स आर नॉट अबाउट सेलिंग एनी मोर बट अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेटिंग पीपल। कि जब आप लोगों को के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ, अच्छी सर्विसेज के साथ। सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट बनाती है और हम लोग अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है। एजुकेट करना, गाइड करना होता है, जब आप उनको गाइड कर देते हैं तो वो आपके बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इसका नाम है, इसका जो तीसरा वर्ड है वो है प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी के पास 5 बड़े सेगमेंट जो हैं इस मार्केट के अंदर हैं, जो आज मार्केट की सबसे बड़ी कैपेसिटी है। नंबर वन विटामिन एंड सप्लीमेंट। बहुत ज़्यादा लोगों को डेली बेस के ऊपर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी को कम करने के लिए विटामिन लेने पड़ते हैं। स्किन केयर, हर इंसान क्यूरियस है कि उसकी सेहत के साथ उसकी स्किन भी अच्छी करे। वेट मैनेजमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है, हर इंसान चाहता है कि वो वेट को लूज करे और एक हेल्दी लाइफ इंजॉय करे। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, देखें स्पोर्ट्स जो लोग करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, उनको एक बहुत अच्छी चीज़ चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हज़ारों लाखों के अंदर से 4-5 लोगों ने सिलेक्ट होता है, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इसके लिए फॉर एवर ने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन की हुई है, जिसके अंदर RG+ जो है वो नंबर वन है, ठीक है। वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स जो हैं, जो फुटबॉलर्स हैं, जो गोल्फ खेलते हैं, वो लोग जो हैं बेसिकली RG+ यूज करते हैं। एंड आई हैव यूज myself पर्सनली, इसलिए आई रिकमेंड यू, जो लोग जिम करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। सो पर्सनल केयर, राइट, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग डेली बेस पे यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट शिफ्ट आवर ब्रांड टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके, व्हाई फॉर एवर इसलिए इज इम्पॉर्टेंट भी है कि ये वर्ल्ड के अंदर जो बड़ी मार्केट है, जो सबसे बड़ी मार्केट है, अराउंड 4.5 ट्रिलियन की मार्केट है वेलनेस इंडस्ट्री की, उसके अंदर फॉर एवर इज अ ह्यूज प्लेयर और बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। सो अगर आप फॉर एवर के एम्बेसडर बनते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, तो आपका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसके अंदर ऐड हो सकता है। US की इकोनॉमी में अगर बात की जाए तो अराउंड $180 बिलियन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉर एवर का जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कॉम्बिनेशन के साथ। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एज वी आर मुस्लिम सो वी हैव टू फोकस ऑन हलाल प्रोडक्ट विच इज फॉर एवर हैव।
और सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात करें तो फॉरएवर के पास एक ह्यूज सर्टिफिकेशंस हैं और ये हर साल रिन्यू होती हैं। सो वंडरफुल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको फॉरएवर की बेशुमार C9 जो है वो टॉप ऑफ द नंबर वन प्रोडक्ट है जिसके आपको रिव्यूज हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं मिलियंस में मिल जाएंगे। उसकी रीजन क्या है कि वर्ल्ड के अंदर ये प्रोडक्ट फेमस है और लोगों ने रिव्यूज किए हैं और इसके रिव्यूज दिए हुए हैं। पर्पल आइसक्रीम, टूथ जेल, एलोवेरा जेल, आर्टिक सी, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सो नाउ आई नो यू आर इंटरेस्टिंग कि मैं कैसे इसको ज्वाइन करूं। यस, कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कि आप लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं स्टार्ट करने के लिए। सो लेट मी स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। एंड द गुड पॉइंट इज कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस तरह जो वेबिनार्स हैं और हमारे जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपके पास आपका एक रजिस्टर्ड नंबर आ जाता है जिसको FBO ID कहा जाता है, फॉरएवर बिजनेस ओनर ID, और इसके अंदर आप जो है वो बेसिकली रजिस्टर्ड हो जाते हो, विच इज द गुड साइन। यू कैन गो एंड लॉग इन एंड चेक योर डिटेल। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जिन लोगों ने जितने भी हम आपको यहाँ पर इनवाइट किया है ये देखने के लिए सुनने के लिए, मेक श्योर कि उनको आप थैंक यू बोले और उनको बोलकर आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें स्टेप बाय स्टेप। सेकंड क्या है कि आप इसके अंदर बन जाते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, जिसको VIP कस्टमर भी कहा जाता है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है एंड यस यू कैन एंजॉय द बेस्ट वर्ल्ड हेल्दी प्रोडक्ट्स। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजर मोड इज नॉट अ बिजनेस मोड। सो यूजर मोड इज फॉर समवन जो ऑलरेडी किसी जॉब के ऊपर है एंड बिजनेस के ऊपर है एंड दे डोंट वांट टू क्विट राइट नाउ, और वो चाहते हैं कि पहले वो प्रोडक्ट को एंजॉय करें, प्रोडक्ट को टेस्ट करें, यूज करें पर्सनल तौर पे और फिर वो बिजनेस को स्टार्ट करें, तो उनके लिए यूजर मोड डिजाइन किया गया। एंड जो लोग बिजनेस मोड के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है दे हैव टू अचीव 2 CCs। जैसे ही वो 2 CC का बिजनेस करते हैं दे आर पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी इन फॉरएवर। अब 2 CCs क्या है? 2 CCs जो है वो एक CCs का नाम है केस क्रेडिट या कॉमन करेंसीज। क्यों? क्योंकि 160 कंट्रीज के अंदर सेम करेंसी तो नहीं है। फॉरएवर ने कॉमनली एक जो चीज काउंट किया उसका नाम है CCs केस क्रेडिट, और इन केस क्रेडिट की बेस के ऊपर आपकी प्रमोशन होती है। जैसे आप देख रहे हैं फेस एंड बॉडी सोप, उसकी अलग वैल्यू है, टूथ जेल की अलग वैल्यू है। प्राइस के ऊपर ये CCs जो है वो अप एंड डाउन होते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, और आपके 2 CCs जो है वो आपको हेल्प करते हैं रजिस्टर्ड प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर होने तक। और वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो इसके अंदर बेसिकली आपके पास 2 मोड हैं। आई नो यू हैव सीन फास्ट मोड एंड स्लो मोड, बट कॉमेंट करके आप लोग मुझे ये बताएं कि वट डू यू वॉन्ट। आप लोग गाड़ी को फास्ट लाइन में चलाना पसंद करते हैं, फास्ट कार, स्पोर्ट्स कार आपको पसंद है, या स्लो कार या स्लो मोड के अंदर थर्ड और सेकेंड लाइन के अंदर आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं? सो टाइप इन द कॉमेंट बॉक्स सो आई विल सी योर फीडबैक। सो स्लो मोड के अंदर बेसिकली कंपनी आपको एक पैटर्न दे देती है कि आप अपने जो CCs हैं इनको कंप्लीट कर सकते हैं 2 मंथ के अंदर, 2 CCs इन 2 मंथ। और इसके अंदर जो बेसिकली आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और आपका ये जो पैकेज बनता है ये अराउंड 1700-1800 dirhams के अंदर बनता है, राइट। और यहाँ पे आपका जो इनकम सोर्स डेवलप होता है बेसिकली यहाँ पे आप पर्सनल यूज के ऊपर भी प्रोडक्ट रख सकते हो। सो यहाँ पे आपका जो इनकम सोर्स बन सकता है कि आप प्रोडक्ट को 5% के ऊपर रीसेल भी कर सकते हो, तो योर इनकम सोर्स विल बी ओनली सेलिंग। बट जबकि फास्ट मोड में क्या होता है कि आप 2 CC इन 1 go करते हो और आपका अकाउंट जो है वो 24 hours के अंदर अपडेट हो जाता है एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस विद इन 24 hours। दिस इज अ नंबर 1 sign फॉर फास्ट मोड। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू स्लो मोड इन द फर्स्ट पैटर्न।
कि स्नो मोड इट्स अप टू यू, व्हाट इज योर कैपेसिटी, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग. जब आप इन चीजों को बेस करके स्लो एंड फास्ट मोड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत इजी हो जाएगा. यहाँ पे कंपनी एक और ऑप्शन भी देती है जिसके अंदर कंपनी ने एक 1.5 सीसी का कंबो पैक डिजाइन किया है जिसकी प्राइस है 1314 दरम 1314. और इसके अंदर आप जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाते हो. कंपनी आपको 0.5 सीसी का मार्जिन देती है, एक ग्रेस देती है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं. तो कल की जगह आप आज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज अ वन गुड पॉइंट फॉर द फास्ट मोड. और इनकम सोर्स ऑफ कोर्स आपका अकाउंट ये होता है, अपडेट हो जाता है, तो आप रिटेल भी कर सकते हो और आप अपनी टीम बिल्डिंग भी कर सकते हो. नाउ आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड, सो लेट मी शेयर विद यू कि आपका अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर क्या हो सकता है लेवल बाय लेवल. सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आपने नोट भी करना है और स्क्रीन शॉट भी लेना है और इसके पॉइंट्स भी बनाने हैं कि आप अपनी जिंदगी में लेवल बाय लेवल कैसे अचीव करना चाहते हो. तो सबसे पहला जो लेवल है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आप 2 CC को कंप्लीट करने से अचीव कर सकते हो. और उसके ऊपर आपका जो मैक्सिमम मार्जिन हो जाता है वो 30+5 यानी कि 35%. और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर वो काम करता है, मेहनत करता है, 4 CC एक्टिव होता है, सो एवरेजली वो 60,000 से 70,000 पाक रुपीज जो है वो अर्न कर सकता है. और अगर हम सुपरवाइजर, विच इज वेरी गुड पोजिशन ऑल्सो, कि जहां पे आपका 30+8 यानी कि 38% का मार्जिन होता है, सो यहाँ पे एक सुपरवाइजर अगर 4 CC एक्टिव करके अपना बिजनेस कर रहा है, सो वो 1 lakh to 1.5 lakh तक अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं, विच इज वेरी गुड. दिस इज मंथली, कैन बी अप टू योर हार्डवर्क. और असिस्टेंट मैनेजर जो है वो 30+13 या 43% उनका मैक्सिमम मार्जिन होता है और वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक अपनी पोटेंशियल इनकम को लेकर जा सकते हैं. और द डिजायर एंड द बेस्ट पोजीशन इज मैनेजर पोजीशन, जहां पे आपको 30+18 यानी कि 48% का मार्जिन मिलता है और 2 से 2.5, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक मैनेजर पोजीशन पे, इवन 8-8 लाख रुपए तक आप मैनेजर पोजीशन पे अर्न कर सकते हो बेस्ड ऑन योर 4 CC एक्टिव एंड द मेंबर ऑफ योर टीम्स. मैनेजर के लिए एक पॉइंट मैं आपको एक्टिव बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना बिजनेस एथिकली बिल्ड करो, राइट. और अगर आप सिंपली 4 or 5 CC एवरी मंथ करते हो और अपनी बिजनेस के अंदर ओनली क्वालिटी पीपल के अंदर फोकस करते हो, जो कि हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी का मेन पर्पस भी है कि ओनली क्वालिटी पीपल्स, सो आप अपने बिजनेस के अंदर 6 to 8 months के अंदर एक स्टेबल मैनेजर पोजीशन के ऊपर पहुंच सकते हैं एंड यू कैन हैव अ सॉलिड फाउंडेशन, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे सबके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि बिल्ड योर बिजनेस ऑन एथिकल बेसिस, राइट. नाउ आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि व्हाट डिजायर यू हैव टू अचीव योर लेवल. आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, राइट, AS. आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, टाइप S. और अगर आप AM बनना चाहते हैं तो टाइप असिस्टेंट मैनेजर या AM. और मैनेजर बनना चाहते हैं तो टाइप IM मैनेजर और M, राइट. सो विल सी योर कॉमेंट. सो फॉरएवर के इंसेंटिव्स यहां से शुरू होते हैं, राइट, बिकॉज फॉरएवर इज गिविंग ऑलमोस्ट 4 or 5 इंसेंटिव्स. सो नंबर सेकंड इंसेंटिव्स क्या है कि आपकी मंथली इनकम आना शुरू हो जाती है, विच इज बेस्ड ऑन योर हार्डवर्क. जितना आप मेहनत करोगे उतना आप अच्छी अर्निंग मंथली लोगे. कार इंसेंटिव, बिकॉज बहुत सारे लोगों की ड्रीम होती है कि वो अपनी ब्रांड न्यू कार खरीदें, तो फॉरएवर जो है वो बेसिकली आपको 3 लेवल का कार प्लान देता है. नंबर 1 जो है वो है 50 CC फर्स्ट मंथ, 100 CC सेकेंड मंथ और 150 CC थर्ड मंथ, राइट. सो जब आप ये 3 चीजें करते हो, 3 months कंटिन्यू आप अपनी एफर्ट्स बिजनेस को डेवलप करने में लगाते हो, तो फॉरएवर आपको बेसिकली $400 प्रोवाइड करता है. $400, आई नो 80,000, 80,000 जो है वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और आप लोगों के माइंड में आ गया है कि सर 80,000 या $400 से गाड़ी नहीं आती. सो यू आर बिल्कुल 110% राइट.
बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि फॉरएवर आपको 1 महीना नहीं देती, 2 महीना नहीं देती, 1 साल नहीं देती, 3 साल लगातार $400 देती, राइट? सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आपका बिजनेस एथिकली और फाउंडेशनली बिल्ड है तो $400 यानी कि 80,000 आपको पर मंथ मिल रहे हैं, विच इज ह्यूज। अगर आप इसको काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट 20 से 21 लाख रुपए के करीब बनेंगे 3 सालों में। और ये कोई लोन नहीं है, ये कोई कर्जा नहीं है, ये आपके हार्ड वर्क की निशानी है कि आपको फॉरएवर इंसेंटिव दे रही है, फॉरएवर टू ड्राइव के नाम से। सो सेकंड लेवल के अंदर आप 75 सीसी करो, सेकंड मंथ में आप 150 सीसी करो और थर्ड मंथ में 225 सीसी करो। सो आपको कंपनी जो है वो $600 प्रोवाइड करती है। लेवल थ्री के अंदर आप 100 सीसी फर्स्ट मंथ करो, सेकेंड मंथ 200 सीसी करो और थर्ड मंथ 300 सीसी करो तो कंपनी आपको $800 देती है। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, बट ये कैलकुलेशन जब आप फ्री होंगे रात को सोने से पहले जरूर कीजिएगा, ताकि आपके सामने एक ह्यूज पोटेंशियल जो है आपका नजर आए कि आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो। ट्रैवल इंसेंटिव्स की अगर बात की जाए तो फॉरएवर जो है वो हर साल 2 इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो प्रोवाइड करती है। एक है ईगल मैनेजर रिट्रीट और एक है ग्लोबल रैली। ईगल मैनेजर मींस मैनेजर जो बन जाते हैं उनको फॉरएवर रिट्रीट देती है और इसके अंदर जो है वो आपको 5-स्टार होटल में फ्री आना जाना देती है, टिकटिंग देती है, वीजास की फैसिलिटी देती है, होटल देती है, एंड प्लस द गुड पॉइंट इज you can take your family with you, like one person with you. So means if you qualify, you can take your mother, you can take your father, you can take your husband, you can take your wife, or you can take your loved ones. So global rally ke andar bhi isi tarah forever incentive karti hai. Chairman bonus jo incentive hai, wo bahut hi outclass incentive hai. Aur I know ki iske andar agar company jo hai wo 3 to 4 billion रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसका 3% यानी कि $120 million जो है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है टॉप एफबीओस के अंदर। सो दिस इज नंबर 5th गुड इंसेंटिव। सो आर यू थिंकिंग हाउ यू विल डू इट? क्या आप सोच रहे हो कि ये आप कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो? सो फर्स्ट स्टेप इज, चार चीजें मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर और ये चार चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। बिलीविंग इन योरसेल्फ, आपके पास अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए कि मैंने इस अचीवमेंट को हासिल करना है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि मैंने सीखना है, राइट? लाइक यू आर लर्निंग नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन सी योर कॉमेंट्स। एंड नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनेक्शन विद योर मेंटोर। आपका जो मेंटोर है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस है, उससे आप सीखें। और नंबर 4 ये है कि वर्क विद जिशान का जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करें। कितना सिंपल सिस्टम है कि यू इफ यू हैव जस्ट अ फोन विद यू और आप अपना 100% बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू डेवलप कर सकते हो। दिस इज एन अमेजिंग सिस्टम, राइट? सो पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की एक दो चीजें मैं आप लोगों से और शेयर करूंगा। इसके अंदर टाइम लेवरेज और फास्ट ग्रोथ आपकी पॉसिबल है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा और आप लोगों ने इस चीज को लिखना भी है और समझना भी है। देखें, फास्ट ग्रोथ जो है वो टाइम लेवरेज के साथ हो सकती है, विदाउट नहीं हो सकती। सो टाइम लेवरेज होता क्या है? बेसिकली हम लोग अपने दोनों हाथों से जो काम करते हैं डेली बेस के ऊपर, तो 8 या 10 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकते। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं नजर आएगा जो डेली 20 घंटे काम करता हो, डेली 24 घंटे काम करता हो, बिकॉज इंसान का एक स्लीपिंग पैटर्न है, इंसान की एक बॉडी है जिसको रिलैक्स चाहिए, माइंड है जिसको स्लीप पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। तो एवरेजली आप 8 से 10 घंटे काम करो, 4-5 घंटे अपना रिलैक्सेशन करो, 4 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे सो जाओ। सो दैट्स योर नॉर्मल रूटीन। सो अब अगर आप 25 साल की एज के अंदर काम करना शुरू करते हो तो आप एक एवरेजली 65 साल की उम्र तक काम करोगे, यस और नो? सो 40 साल के इस प्लान के अंदर आप तकरीबन अपनी डेली लाइफ में 8 घंटे काम कर रहे हो, 5 दिन हफ्ते में काम कर रहे हो, सैटरडे संडे छुट्टी भी कर रहे हो, 50 वीक साल में काम कर रहे हो, ठीक है? और 2000 घंटे आपके बनते हैं पूरे साल में आपने काम किया।
अब इन 2000 घंटों को अगर आप 40 साल से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको लगेगा कि आपने 80,000 पूरी जिंदगी में काम किया। 80,000 घंटों को अगर आप घंटे के हिसाब से अपनी सैलरी अपनी इनकम को काउंट करें तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर लें 80,000 से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जिंदगी में कितने पैसे कमाने हैं, राइट? अभी नहीं, आप लोगों ने बाद में सोच कर समझ के इस कैलकुलेशन को करना है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। देखें, सोशल मीडिया आप डेली यूज करते हो, नेटवर्किंग आप डेली बेस के ऊपर, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे क्या हैं? नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप डेली बेस के ऊपर वो काम करते हो, लेकिन यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। सो विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, विद द वर्क विद जिशान टीम, विद हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपको एक नेटवर्क मिल जाता है जहां पे एंटरप्रेन्योर आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपने इस टाइम को लेवरेज करना। सो लेवरेजिंग योर टाइम थ्रू पार्टनर्स, यहां पे अगर आप अपने 10 पार्टनर्स के साथ काम करते हो 8 घंटे डेली, 5 दिन हफ्ते में, 50 वीक साल में, सो 4 सालों के अंदर आप अपनी जिंदगी के 80,000 घंटे काम कर सकते। सो नाउ द पैटर्न इज, एक जगह 40 साल लग रहे हैं और एक जगह 4 साल लग रहे हैं। सो जो ये बीच में जो 36 ईयर्स हैं आपकी जिंदगी की, ये सेव हो सकते हैं। नाउ आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आप अपनी जिंदगी के 36 साल जो हैं वो सेव करना चाहते हैं। 36 ईयर्स ह्यूज टाइम, अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें कि क्या अगर उनकी जिंदगी में 36 साल सेव हुए होते तो उनकी लाइफ बेहतर होती। सो अगर आप उनसे लेसन या सबक नहीं लेते, सो व्हाई यू आर अ यूथ, व्हाई यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, जब आप इन चीजों को समझ नहीं रहे। सो नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ ग्लोबल बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो ऑलमोस्ट 90 साल से ज्यादा का इसका एक्सपीरियंस है, राइट? अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं और ये 3 एग्जाम्पल आप सब इसके बारे में जानते हो कि अगर ये तीनों मैकडॉनल्ड्स, अमेजॉन, उबर, ये 3 अगर इनके पास नेटवर्क ना होता तो ये आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स ना होते, ये बिलियन डॉलर कंपनीज ना होती। सो नेटवर्क की जो पावर है वो आपको समझने की जरूरत है। एंड पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप एक नेटवर्क का हिस्सा बने, और इस नेटवर्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेनी 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 पीपल आर ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड हैव सक्सेसफुल कैरियर्स। सो रेवोल्यूशंस बिकेम नेसेसिटीज, इसलिए बताना जरूरी है कि जब आप अपने आप को जिंदगी में अपडेट नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ते, राइट? बहुत से रेस्टोरेंट जो हैं वो रोबोटिक वेटर्स को क्यों रख रहे हैं अपने पास, उसकी रीजन बहुत सिंपल है कि वो अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते, फास्ट नहीं करते, तो उनके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। गाड़ी की एग्जांपल आपको इसलिए देना चाहूंगा कि क्या आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि आने वाले सदी के अंदर, जो जिस सदी में आज हम हैं, 21st सेंचुरी के अंदर, गाड़ियां जो हैं वो विदाउट ड्राइवर्स चलेंगी, और अगर वो अपडेशन ना होती, अपडेट ना होती गाड़ियां, तो आज गाड़ियां, आज भी हम लोग जो है वो पैदल चल रहे होते या जो है वो शायद जानवरों का इस्तेमाल हो रहा होता, राइट? जिस तरह बैलगाड़ी वगैरह चलती थी आज से 100 साल, 150 साल पहले। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है, रेवोल्यूशंस बिकेम नेसेसिटीज, जस्ट लाइक डिजिटल नेटवर्किंग। आज जिस डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आने वाले 20 साल के बाद, 10 साल के बाद एक नेसेसिटी बन चुका होगा। Or then you might think I had missed a chance. So आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, don't miss a chance. Think for your dreams, कि आपके जो dreams हैं वो कहाँ खड़े हैं। आपकी ड्रीम लिस्ट बहुत बड़ी है और आपका जो इनकम है, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपकी इनकम जो आ रही है उस इनकम से आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रहे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके लिए एक बी प्लान है, एक सेकंड ऑप्शन है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए, देन आप अपना शिफ्ट कर सकते हो फुल टाइम के अंदर, एंड यू कैन गो विद पार्ट टाइम एज वेल।
दो माइंडसेट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है मुझे कि विच माइंडसेट डू यू वांट, आप किस माइंडसेट की तरफ जाते हो, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ या फिक्स माइंडसेट की तरफ। फिक्स माइंडसेट क्या है कि मुझे डेली बेस के ऊपर हार्डवर्क करना पसंद है, विच इज गुड, अच्छी बात है। मुझे सुबह उठ के 8 बजे जाना पसंद है, मुझे रात को 8 बजे आना पसंद है, मुझे जो है वो बेस्ट, मुझे लोग ये कहें कि होप फॉर द बेस्ट, ये कहना अच्छा लगेगा। या आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हो जहां पे आप स्मार्ट वर्क करो, नेटवर्क डेवलप करो और अचीव करो और फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। सो आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि फिक्स माइंडसेट आप चाहते हो या ग्रोथ माइंडसेट चाहते हो, पुअर माइंडसेट चाहते हो या रिच माइंडसेट चाहते हो। नाउ आई कैन सी योर कमेंट्स दैट यू वांट ग्रोथ माइंडसेट, सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शंस, राइट। स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बंदे को पता है, और नहीं भी पता तो ये आप रिसर्च कर सकते हो, विद इन 5 मिनट आपको ये चीजें पता लग सकती हैं जो मैं भी आपको बताने लगा हूं कि ई कॉमर्स स्टोर बनाना, स्टाफ रखना, ग्लोबल लाइसेंस लेना, ब्रांड नेम लेना, क्वालिटी प्रोडक्ट को प्री हंटिंग करना, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज को गेन करना, सब चीजों को कंबाइन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने इसको कंबाइन करके आपके लिए बहुत ही ईजी कर दिया। फ्री ऑन अचीवमेंट, जब ऐसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आपको ई कॉमर्स स्टोर मिलता है, स्टाफ मिलता है, ग्लोबल लाइसेंस मिलता है, ब्रांड नेम मिलता है, क्वालिटी मिलती है, प्रोडक्ट्स की एंड एक्सपर्टीज मिलती है ताकि आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सको। सो देयर इज नो चांस कि आप इसको मिस कर सको। वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स व्यूज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये मैं आपको वेरी क्विकली बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि हमारे लोकल जो FBOs, जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, उनके व्यूज क्या हैं, ताकि आपको समझ आ सके। सो रॉबर्ट कियोसाकी को आप सब लोग जानते हो, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और इसके अंदर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो ऑफर करती है एक रेडीमेड बिजनेस सिस्टम, किसको, anyone who wants to take control of financial future, कि जो इंसान चाहता है कि मैं फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, उसके लिए एक रेडीमेड सिस्टम है कि जहां आप 1 ईयर के अंदर बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक एक्चुअल बिजनेस, ओल्डेस्ट बिजनेस है, जिसके अंदर बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी होती हैं और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी होती हैं। टोनी ब्लेयर के बारे में है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, राइट। जिम रॉन के बारे में एक बहुत ही फेमस बुक राइटर्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी वेव है जिसके अंदर फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है, जिसको अगर अंडरस्टैंड कर लेते हो आप तो आपका बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। नाउ आई नो द टाइम इज लिटल अप, but we are near to finish and let's hear from our experienced FBOs jo aapke ird gird lahore karachi multan faisalabad and karachi rawalpindi peshawar anywhere you name it we have our team FBOs and expert jo already alhamdulillah is business ke andar aa chuke hain aur successful is business ko kar chuke hain so let's listen one by one जब मैंने फॉरएवर के बारे में सुना तो मुझे ये पता चला था FLP कंपनी जो है वो नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग्स करती है, तो मुझे नेटो मार्केटिंग का बहुत पता था कि हम कम टाइम में बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं, हम इसमें पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं एंड सो ऑन दैट। मुझे ये नहीं पता था कि ये बिजनेस किस तरह होता है, आगे जाके क्या करना होगा, क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि पैसा बहुत है। ऑलरेडी मेरा एक ट्रेडिशन बिजनेस भी है, वहां से भी अर्निंग आती है, लेकिन व्हाई फॉरएवर, फॉरएवर को इसलिए प्रीटी बिजनेस इन द अर्थ कहा जाता है क्योंकि आप पैसा तो अर्न करोगे वो तो किसी भी फील्ड में आप करोगे, लेकिन यहाँ फॉरएवर में आप वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी क्रिएट करते हो, यानी कि आप पैसा तो कमाओगे लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ भी क्रिएट करोगे और आप इस बिजनेस को भी स्माइल के साथ करते हो। सो एक्चुअली हेल्थ इज योर वेल्थ। सबसे बड़ी रीजन जो मेरी थी फॉरएवर को ज्वाइन करने की वो ये कि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती थी, और ऑब्वियसली वो सब सोचते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल होना,
मुझे जो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज ये थी नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपके साथ आज सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो आपकी स्किल इंप्रूव करना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे पब्लिक स्पीकिंग जो है वो करनी आ गई, एंड देन टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, ये वो स्किल्स हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती है क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच सेटिस्फाइड नाउ, आज मेरी एज अगर इतनी है मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपकी टीम का भी अच्छा होना जरूरी है। अगर मेरे पास जो है एक अच्छी टीम ना होती, मैं एक अच्छी टीम के साथ ना होती तो आज शायद मैं यहाँ पे ना होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मेहरान है, मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, मैं हासिलपुर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट भावलपुर। फरावर का मुझे पता कैसे चला, फरावर को मैंने ज्वाइन क्यों किया, फरावर का मुझे पता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चला कि फरावर जो है एक वेलनेस इंडस्ट्री है जो पिछले 44 ईयर से 160+ कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुकी है और फरावर ने हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और देन मैंने भी डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को चेंज किया जाए इस यंग एज में, और फरावर को मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि जहाँ पे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे, मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही थी, मेरे सेलिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे और मेरे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे, और इसके साथ साथ मुझे पैसिव इनकम मिल रही थी, टाइम फ्रीडम मिल रहा था, और सबसे मेन चीज कि मुझे एक इनहेरिटेड बिजनेस मिल रहा था कि अगर मैं अपना बिजनेस क्विट करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को ये बिजनेस ट्रांसफर भी कर सकता हूँ और वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से मैंने क्विट किया। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो फरावर आप सब के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है जहां पे आपको 30+ बिजनेस का एक्सपीरियंस रखने वालों का हैंड आउट एक्सपीरियंस मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौसर इफ्तिखार है और मैं बाय प्रोफेशन एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और कैलीग्राफर हूँ। मेरा फॉरएवर को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मेन रीजन जो था वो यही था कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी फैमिली में ये चीज अलाउ भी नहीं थी और मेरा माइंडसेट हमेशा से बिजनेस वाला था। बिजनेस करने के लिए आपके पास एक अमाउंट होनी चाहिए, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हो तभी आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास वो वसाइल थे नहीं। तो फिर जब मैंने फॉरएवर देखा, उसको जाना, तो मुझे पता लगा कि आप यहाँ ना बड़े छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्टअप ले सकते हो, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे फॉरएवर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। थोड़े ही टाइम के अंदर मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ अटैच हो गई, ब्रांड एम्बेसडर बनकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ग्लोबली वर्क कर रही हूँ। तमाम फीमेल्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ, उन सबको रेकमेंड करूंगी कि आप फॉरएवर के साथ वर्क करें, बिकॉज ये शो होता है कि हम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते हैं, टाइम का मसला हो जाता है कि हम अपने बच्चों को संभालना होता है, तो इस वजह से फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप नेगेटिव लोगों से प्लीज दूर रहें क्योंकि जो लोग कुछ खुद नहीं कर सकते वो दूसरों को भी नहीं करने देते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अमार मंजर, मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ। सो फॉरएवर को ज्वाइन करने की मेन वजह ये थी कि एज अ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम तो मैं कॉलेज जाता था जबकि सेकंड टाइम मेरे पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं था। सो तब मुझे फॉरएवर के बारे में अपने एक दोस्त से पता चला कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपके अंदर स्किल्स भी डेवलप करते हैं। सो जब मैंने अपने दोस्त से प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट की तो उन ट्रेनिंग्स को लेते वक्त मुझे फैसल भाई की एक वीडियो मिली, उस वीडियो के जरिए मेरा कॉन्टैक्ट सादिया मैम से हुआ और सादिया मैम से गाइडेंस लेने से लेकर इस टीम में ज्वाइन होने तक मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जितना इम्पॉर्टेंट फॉरएवर को ज्वाइन करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट उस टीम को चूज़ करना है जिसके साथ आपने फ्यूचर में वर्क करना है। सो ये थी मेरी फॉरएवर के साथ जर्नी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिना जलानी है और मैं एक प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ जुना हॉस्पिटल कराची में। इसके साथ साथ जो है मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही हूँ पाकिस्तान मर्चेंट डायरेक्ट एक्सचेंज के अंदर। बेसिकली मेरा जो फॉरएवर को ज्वाइन करने का पर्पज था वो ये था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, जो कि मुझे बिल्कुल रियलाइज था कि मुझे इस चीज़ का क्लियरली आइडिया था कि अगर मैं अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर काम करती हूँ तो एटलीस्ट 6 to 7 years जो है मुझे लगेगी बिल्कुल स्टेबल इनकम पे पहुँचने पर, और फाइनेंशियली फ्री होना तो वो फिर बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट 10 से 12 साल उसके। Yeah.
तो मेरा बेसिकली फॉरएवर को ज्वाइन करने का पर्पज ये था कि मुझे यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, मुझे यहाँ से टाइम फ्रीडम मिला है। इसके साथ साथ जो है मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। मैं बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी जब मैं इस फील्ड में आई थी, लेकिन फॉरएवर ने मुझे सब कुछ दिया। उसके साथ साथ जो है मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हुई हूँ, इसीलिए मैं आज एक इतनी अच्छी इंडस्ट्री में जो है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही हूँ। जो लोग फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर इस फील्ड में इस फील्ड को ज्वाइन करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आपको टाइम लेवरेज देता है फॉरएवर, और इसके साथ साथ जो है आपको एक अच्छी इनकम देता है जो आप अपनी फैमिली को जिसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आई एम मंजर अली, आई एम फ्रॉम सियालकोट एंड आल्सो ओवरसीज पाकिस्तान। मेरा फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का पर्पस ये था कि मैं अपनी अर्निंग के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहता था, और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो आपको अर्निंग तो देता है, तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जा सकते हो। और स्पेशली मजे की बात यह है कि आप बहुत ही लो स्टार्टअप पे 170 कंट्री में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो मैं स्पेशली एक लास्ट में मैसेज दूंगा उन फीमेल को जो घर पे बैठ के पार्ट टाइम काम करके अपनी एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करना चाहती हैं, और उन मेल को जो जॉब करने के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। सो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर हासिल करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा है, मैं हाउसवाइफ हूँ और बाय प्रोफेशन मैं टीचर रही हूँ। टीचिंग की जॉब करते हुए हमेशा मुझे यही प्रॉब्लम होती थी कि मैं अपने बच्चों को अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी। नेट पर सर्च करते हुए मेरी एक दफ़ा फेसबुक पर सर उमर से बात हुई और उन्होंने मुझे एफएलपी से इंट्रोड्यूस करवाया, और मुझे पता चला कि एक ऐसी कंपनी भी है जो लाइफ चेंजिंग साबित हुई है और आपको टाइम फ्रीडम देती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाती है। तो मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, फिर गूगल के ऊपर, हर तरह से मैंने इसकी वेरिफिकेशन की, और उसके बाद जो है अब मैं एफएलपी का हिस्सा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहते हुए वर्क कर रही हूँ, अपने घर में रहते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने जो मेरा टाइम होता है फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ मैं अपना वर्क करती हूँ। और आप सबसे मेरी यही बात है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। Amazing, amazing. So, you know, Alhamdulillah, we have many success stories. You can also view our professional website, our page. So, yahan pe important cheez ye hai, if they can do it, I can do it, you can do it. So, be part of Forever Living Products and join hashtag Proud Pakistani Community, Pakistan Entrepreneur Hub, or join our leaders, jinhone aapko is session ke andar लिंक प्रोवाइड किया। दो छोटे से क्वेश्चंस हैं, क्विकली आपने इनका आंसर देना है। विल दिस मॉडल गिव यू गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम? रेटिंग कर सकते हो आप, वन जो है वो मिनिमम, टू, थ्री, फोर एंड लोगों ने मुझे बताना है कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मॉडल, बिजनेस मॉडल जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कितना दे सकता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि विल दिस मॉडल गिव्स यू टाइम फ्रीडम? सो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को व्यू देखा है, आपके व्यू क्या है? वन इज द मिनिमम, फाइव इज द मैक्सिमम, रेटिंग कर सकते हो आप, ताकि हमें पता लग सके कि व्हाट यू थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वेबिनार। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर क्वेश्चंस एंड सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ये सेशन और ये अपॉर्चुनिटी देखी है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग अवर हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी, और हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। वन ऑफ अवर लीडर विल बी हैविंग क्वेश्चन आंसर सेशन विद यू, जो कि आपके क्वेश्चंस लेंगे, जो कि आपके क्वेश्चंस सुनेंगे और आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। लेकिन प्लीज बी कीप इन माइंड के वन बाय वन आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, एंड विल प्रेफर कि अगर आप मेल हो तो अपना कैमरा और माइक दोनों ओपन करके क्वेश्चन करें, और अगर आप फीमेल हैं तो जस्ट यू कैन ओपन योर माइक और आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।